तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं F-22 रैप्टर के बारे में। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जी F-22 रैप्टर के बारे में बताइए कि आज भी कम से कम 20-22 साल हो गए, 2200 साल कंप्लीट होने को आए, लेकिन आज भी कोई भी देश इस तरह का फाइटर जेट, इसकी टक्कर का फाइटर जेट भी नहीं बना पाया। इसके ऊपर की तो बात बहुत दूर की है। तो क्यों ऐसा है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, अमेरिका ने इसके लिए क्या क्या पापड़ बेले हैं इस तरह का फाइटर जेट बनाने के लिए, और क्या भारत ऐसा बना सकता है, इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगले 10 सालों तक कोई भी इस तरह का फाइटर जेट नहीं आने वाला है। करीबन 30 से 32 सालों का राज इसका होने वाला है और शायद आगे भी ना आए, इसके कारण भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पर आज फिर से F-22 रैप्टर की, उसके अलावा फ्यूचर वेपन्स की मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ मैं उन्हें अपलोड नहीं कर सकता, आप जानते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एकमात्र लिंक वो इंस्टाग्राम का ही है। तो दोस्तों अपनी बात कर लेते हैं F-22 रैप्टर के बारे में। बहुत ही जबरदस्त फाइटर जेट है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। कुछ कमियां होती हैं, हर तरह की चीज़ों में हर तरह की कमियां होती हैं, लेकिन इस तरह का फाइटर जेट बना पाना बहुत ही मुश्किल काम है। कारण मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला बात, क्यों इस तरह का फाइटर जेट आज तक नहीं बनाया जा सका, कारण है बजट। सबसे पहला कारण यही है कि बजट इतना बड़ा है इस फाइटर जेट को बनाने के लिए कि भारत के अगर आप पिछले 2-3 साल का टोटल डिफेंस बजट जोड़ दें, तब सिर्फ इस एक प्रोग्राम का अमेरिका ने इस प्रोग्राम पर खर्च किया है F-22 रैप्टर को। इसकी पहली फ्लाइट 1997 में हुई थी और आज तक इसे 2200 साल होने को आया, आज तक भी इसकी टक्कर का फाइटर जेट आपको नहीं मिलेगा किसी देश के पास। अमेरिका के टक्कर पर रूस ने बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जो उनका SU-57 प्रोग्राम था वो उस तरह का स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं, और ना ही उस टक्कर का है कि वो टक्कर दे पाए F-22 रैप्टर को। इसके अलावा कई और कारण है कि इसका अमेरिका ने समय समय पर इसका अपग्रेडेशन किया है। जी हाँ, इसका हर 2 से 3 साल बाद इसका अपग्रेडेशन होता ही रहता है। इसे बिल्कुल इसमें नई नई और लीथल टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। कई देश को जितना उनका जो उनका मॉडर्नाइजेशन का खर्च, भारत का जितना मॉडर्नाइजेशन का खतरा पूरी हमने जो रखा इस साल का, आपको बता दूँ जितने हम अपनी जो हमें सेना है तीनों, उन्हें मॉडर्नाइजेशन का जितना खर्चा रखा है, अमेरिका हर 3 से 4 साल बाद उतना खर्चा सिर्फ इसको अपग्रेड करने में खर्च कर देता है। आप सोच सकते हैं कितना एक लीथल वेपन है, बहुत ही महंगा भी है। इस कारण इसका आपको बता दूँ कि 250 से 300 मिलियन इसकी एक यूनिट कॉस्ट पर पड़ती है अमेरिका को। अमेरिका ने फिलहाल इसके बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और बेचने पर भी, कारण उसके भी बताऊंगा आपको। लेकिन आप सोचिए कि जो F-35 या राफेल है, उनकी 70 से 80 मिलियन डॉलर की कॉस्ट पड़ती है, उनसे 3 से 4 गुना महंगाई पड़ता है। और कई इसके कारण भी हैं, स्टेल्थ है, सुपर स्टेल्थ है, मैनोबिलिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और तीसरा कारण आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्यों इसके टक्कर का फाइटर जेट बना पाना मुश्किल है। तीसरा कारण इसका है मेन कि अमेरिका ऐसा करने नहीं देता किसी देश को। उदाहरण मैं आपको दूं, यूके ने बनाने की कोशिश करी 6th जनरेशन फाइटर जेट, भारत को भी उसमें इंक्लूड करना चाहते थे वो, लेकिन अमेरिका एक्शन में आ गया तुरंत और उसने F-35 बेच दिए सस्ते में ही यूके को। यूके की जरूरतें पूरी हो गई और फिर उन्होंने 6th जनरेशन प्रोग्राम को डंप कर दिया, जिससे कि जो उससे उस F-22 रैप्टर के टक्कर का जो फाइटर जेट बनना था वो धरा का धरा रह गया है। भारत को भी इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो अपना एमका प्रोग्राम है, भले हमें F-35 अमेरिका की तरफ से हमें देने के लिए पेशकश भी किया है, लेकिन हमें एमका प्रोग्राम को नहीं छेड़ना है, क्योंकि एमका प्रोग्राम इसके टक्कर का ही फाइटर जेट होने वाला है अगर उसमें टेक्नोलॉजी इस तरह की कही जा रही है, ऐसी ही लगती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे। बजट इसका एक कारण था कि F-22 रैप्टर इतना बड़ा और इतना बेहतरीन फाइटर जेट क्यों है, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और इन्हीं कुछ कारण की वजह से अमेरिका का F-22 रैप्टर आज भी एक मैड किंग की तरह जाना जाता है पूरी दुनिया में। दोस्तों फिलहाल दोस्त वीडियो में इतना ही, और आपको बता दूं शाम को आपको एक और वीडियो मिलने वाले B-21 रेडर के बारे में, उसके एक नई जानकारी आई है सामने और वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो देखने पर फिर से आपका धन्यवाद। इंस्टाग्राम पर आप जरूर विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।